वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एंड मेडिकल। सो आज के वीडियो में हम लोग DPP नंबर 7 करेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 7। और ये जो पेपर है गाइस वो NTA के मॉक टेस्ट पे बेस्ड है, तो अगर आप NTA के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो आपका इधर डबल रिवीजन हो रहा है। सो आइए देखते हैं। और इधर ये जो रिवीजन हो रहा है उसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। सो यार आज का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रेजेंट इन द ब्लड एसोसिएटेड विद इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनिटी मतलब ब्लड में इम्यून रिस्पॉन्स कौन से सेल बनाएंगे, तो पहली बात तो ग्लोब्यूलिन सेल, अल्बुमिन सेल, अल्फा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन, ऐसे ऑप्शन दिए हुए। और इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा गाइस, जो वाइट ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स ये वो प्रोटीन्स है जो इम्यून रिस्पॉन्स से एसोसिएटेड है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ए ऑप्शन। सो अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द सब्सट्रेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ CH3CH2OH। सो पहली बात तो CH3CH2OH क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, इथेनॉल होता है ये। इथेनॉल के लिए क्या हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेज, लैक्टोस, माल्टेड सीरियल्स और नवनवद्योग। माल्टेड सीरियल्स होते हैं मतलब स्प्राउटेड सीड्स या फिर वो जो सड़ाई हुए बीज होते हैं उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाइस। तो इसको हम लोग बोलेंगे माल्टेड सीरियल्स। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन बी गाइस। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA इन द सेल इज 15 नैनोग्राम, देन आफ्टर द सिंथेसिस फेज द DNA अमाउंट विल बी। सिंथेसिस फेज में पहली बात क्या होता है, सिंथेसिस फेज मतलब होता है एस फेज में क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है। और DNA रेप्लिकेट होगा तो उसका एंटी पैरेलल स्टैंड फॉर्म होगा, मतलब ये जो अमाउंट है इस DNA का वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब अगर 15 ng दिया हुआ है, मतलब 15 नैनोग्राम दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, सो दूसरा अमाउंट आ जाएगा 30 ग्राम। मतलब आफ्टर एस फेज द DNA अमाउंट विल बी 30 नैनोग्राम। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी गाइस। सो अगला देखते हैं, द सेट ऑफ हॉर्मोन्स विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर लाइक साइक्लिक AMP ड्यूरिंग द मोड ऑफ एक्शन। साइक्लिक AMP में कौन से हॉर्मोन्स इस्तेमाल होते हैं गाइस, FSH, LH एंड ACTH। आपको सबको याद होगा ये सेट ऑफ हॉर्मोन्स है जो सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं AMP में। सो इसका क्या आएगा, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन और तीसरा आ जाएगा ACTH गाइस। सो इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। सो फोर्थ क्वेश्चन हो गया, उसका आ गया आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन पूछे हुए और बाकी अभी चार स्टेटमेंट दिए उसमें से करेक्ट कितने वो पूछा हुआ है। सो करेक्ट देखते हैं पहले, जिम्नोस्पर्म डज नॉट शो जेरोफाइटिक कैरेक्टर। सो ये स्टेटमेंट शायद आप देखते पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, जिम्नोस्पर्म डज नॉट शो जेरोफाइटिक कैरेक्टर इन साइकस, कोरोलाइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद फंगाई इन जिम्नोस, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटरोस्पोरस। तो ये स्टेटमेंट सही है गाइस, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। इन कॉनिफर्स नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, ये भी स्टेटमेंट सही है गाइस, मतलब CND सही है। सो ये आ गया। सो अभी A and B क्यों गलत है, सो ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं गाइस ये जेरोफाइटिक कैरेक्टर दिखाते हैं क्योंकि ये डेजर्ट कंडीशन में ग्रो होते हैं। सो इधर का नॉट कैंसिल हो गया तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और ये जो साइकस है गाइस ये फंगाई से एसोसिएटेड नहीं है, ये एसोसिएटेड होते BGA मतलब क्या होता, ब्लू ग्रीन अलगे से एसोसिएटेड होती है, ब्लू ग्रीन अलगे से एसोसिएटेड होते हैं। सो इसमें से कौन से दो स्टेटमेंट सही आ गया, ऑप्शन सी आ गया सही, ऑप्शन डी आ गया। सो इसका आंसर आ जाएगा CND, बोथ CND। सो इसका आ गया सी ऑप्शन। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द पेयर ऑफ द हॉर्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक इन एक्शन। सो पहली बात एंटागोनिस्टिक क्या होता है, अपोजिट एक्शन मतलब एक अगर एक्शन उसको बढ़ाने में काम कर रहा है तो दूसरा ऑप्शन करेगा कम करने में। सो इसमें एंटागोनिस्टिक पूछा हुआ है। सो कैल्सिटोनिन हाइपोथैलेमिक हार्मोन है और पैराथार्मोन है हाइपरथैलेमिक। सो ये जो हार्मोन्स है गाइस, ये तीनों जो हार्मोन्स है गाइस वो एक दूसरे का ऑपोजिट में काम करते हैं। सो इसको हम लोग बोलेंगे एंटीगोनिस्टिक हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन। सोमैटोस्टैटिन एंड ग्रोथ मतलब सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ रिड्यूस और ग्रोथ रिड्यूसिंग, और एड्रिनलिन एंड इंसुलिन। एड्रिनलिन जो है वो शुगर लेवल डिक्रीज करता है और इंसुलिन शुगर लेवल इंक्रीज करता है। सो इसमें से सब आंसर आ गए। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अलगे इज यूज टू प्रिपेयर कल्चर मीडियम टू ग्रो माइक्रोब। सो ये कल्चर मीडियम प्रिपेयर करने में दो अलगे यूज होते हैं। सो उसका आंसर तो सबको पता होगा, जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया। सो इसमें क्या आ जाएगा, एक तो जेलिडियम दिया हुआ है, दूसरा है ग्लेसिलेरिया। सो इसमें से कैंसा आंसर आ जाएगा, लेमिनेरिया और कोलेरा नहीं आएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, जेलिडियम एंड ग्लेसिलेरिया आ जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस,
हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आर गिवन इन आर विंड पॉलिनेटेड. विंड पॉलिनेटेड क्या बोलते हैं हम लोग, एनिमोफिली बोलते हैं. विंड पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एनिमोफिली बोलते हैं. सो इसमें से कौन से ऐसे विंड पॉलिनेटेड है. सो पहली बात तो इसमें चार, सो पहली बात तो देखते हैं हम लोग कौन से है. सो इसमें पहले मेरे को पता है, आपको भी बता दे रहा हूँ कि इसमें से चार जो है वो विंड पॉलिनेटेड है. अगर आप बता सकते हो वो चार कौन से है, नहीं तो फिर मैं तो बता रहा हूँ आपको. सो पहला है कोकोनट, दूसरा है बाम्बू, तीसरा वीट और ये चौथा राइस. ये जो चार प्लांट्स है गाइस ये विंड पॉलिनेशन से होते हैं और ये हम लोग लार्ज अमाउंट में होते हैं. और बाम्बू का एक और खासियत है कि ये 5 साल में एक बार आता है, वो तो आपको सबको पता होगा गाइस. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा आंसर 4. कौन से आ गए, कोकोनट, बाम्बू, वीट एंड राइस. सो अगला क्वेश्चन देखते गाइस, मैच द फॉलोइंग है. अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, सो उसका आंसर क्या आएगा वो भी देख लेंगे. सो पहले मैच करते हैं हम लोग, एसिडिक कौन सा होता है इसमें से. सो पहली बात तो एसिडिक मतलब इधर ग्लूटामिक एसिड दिया हुआ है तो वो भी एसिडिक हो गया. ए का थ्री देख के आंसर समझ गया आपको, ये एलिमिनेशन मेथड. कल भी हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया था. सो ए का थ्री देख के अगर आपको आंसर समझ रहे तो टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइस. और फिर भी आपको कन्फर्मेशन चाहिए तो आप कर सकते हो. ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है गाइस, जिसको हम लोग फिनेल एनिलीन जो है वो एरोमेटिक है. सो इसमें से दो तो मैच हो गए तो वही आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा गाइस. अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ केमिकल सिक्रीशन. विच ऑफ ऑड मैन आउट पूछा हुआ है, ऑड वन आउट. सो ये जो तीन ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड, ये होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड. ये होते कौन से ग्लैंड होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं. एंडोक्राइन मतलब डायरेक्ट सिक्रीशन पोर करेंगे. और ये जो मेमोरी ग्लैंड है गाइस वो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है. और वो एक्सोक्राइन होता है क्योंकि वो ये जो वेसल्स है उसकी उसके मदद से जो हम लोग का ब्लड है वो सकआउट होता है गाइस. और ये नॉर्मली मेमोरी ग्लैंड कब डेवलप होते हैं, प्यूबर्टी के बाद डेवलप होते हैं. और प्रेगनेंसी के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से इसमें से मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है गाइस. सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गैमेट ऑफ द मेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन. सो फीमेल गैमेट किस में डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ द चाइल्ड. सो पहली बात तो ग्रासहॉपर, ड्रोसोफिला, कॉकरोच और पीकॉक चार ऑप्शन है. फिर भी अगर आपको मेल और फीमेल मतलब ह्यूमन बींग का होगा अगर तो क्या होता है, एक्स एक्स मतलब फीमेल और एक्स वाई मतलब मेल. सो ये जो एक्स वाई होता है गाइज वो मेल में वो एक एक्स क्रोमोजोम अगर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फीमेल बेबी और वाई होगा तो मेल बेबी. पर ये जो होता है गाइज वो बर्ड्स में काफ़ी उल्टा होता है. उधर होता है बर्ड्स मेल होते हैं तो उसका होता है जेड जेड और फीमेल होगा तो उसका होता है जेड डब्ल्यू. मतलब अगर दोनों अलग अलग क्रोमोजोम किस में, फीमेल में. सो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो फीमेल में होगा. सो ये किस में होगा, पीकॉक में. पीकॉक एक बर्ड है. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस. अभी अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शन विच डिस्क्राइब द करेक्ट मैचिंग बिटवीन द बोन्स विद देयर एग्जांपल मेंशन अबव. सो पहली बात तो ये जो स्टर्नम, रिब्स एंड क्लेविकल, सो सब बोन पढ़ते हैं. स्कल बोन्स में कौन से आ जाएंगे, फेशियल बोन आ जाएंगे, क्रेनियल बोन्स आएगा और हायोइड आएगा. ये स्कल बोन्स टोटल कितने होते हैं, स्कल बोन्स होते हैं 14. एक्जियल बोन्स होते हैं कितने, एक्जियल बोन्स होते हैं 80 एक्जीबोन, थोड़ी एक्जियल बोन कितने आएंगे, 80 एक्जीबोन्स आएंगे. और लॉन्ग बोन तो सबको पता है, फेमर एंड ह्यूमरस. सो ये दो बराबर है. गिरिडल कौन था, स्कैपुला एंड कॉक्सल बोन्स. सो ये दो आ गए. और ये जो एक्जियल बोन्स है जो टोटल 80 होते हैं, पर उसमें जो स्टर्नम होता है वो एबसेंट होता है. और इसमें क्या आएगा, जो बॉडी के अपर एक्सट्रीमिटी में होते हैं मतलब रिब्स आ गए आपके. सो ये जो बोन्स है वो सब एक्सियल बोन्स में आएंगे और एक्सियल 80 होते हैं. सो इसमें से क्या ऑप्शन राइट आएगा, तो सेकंड वाला तो ऑप्शन चला गया. 1, 3 and 4 आर करेक्ट. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 and 4 आर करेक्ट. अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, फाइंड द ऑल मैन ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग. ओरी मीन्स ओरिजिन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. नहीं यार ये गलत हो गया. ओरी मीन्स क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है. ओरी साइड किसको बोलते हैं, रेप्लिकेटिंग साइड को. ओरी साइड किसको बोलते हैं, रेप्लिकेशन साइड को. सम बैक्टीरियल सेल्स में भी कॉपी द नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स वेरीज फ्रॉम 15 to 100. ये हो गया सही. वेक्टर शुड हैव मेनी रेकॉग्नाइजेशन साइट्स फॉर कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स सो दैट LNDNA. सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, डीएनए कट करने के लिए. पर इधर क्या दिया हुआ है गाइस, इधर दिया हुआ है कैन अटैच टू अनदर डीएनए. सो ये भी स्टेटमेंट हो गया गलत. फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट हो गया गलत. एन आइडियल वेक्टर शुड हैव ओरी साइट रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर डिफरेंट RN बट नॉट अ सिलेक्टेबल मार्कर. अगर ये सिलेक्टेबल मार्कर से सिलेक्ट नहीं होगा सो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो किस साइड पे कट करेंगे ये भी नहीं आएगा. सो ये भी स्टेटमेंट हो गया गलत. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा. स्टेटमेंट सही कौन सा आया, ऑप्शन बी वाला आ गया. सो अगला क्वेश्चन देखते गाइज, इफ एलियन DNA इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग PHTI PBR 332 है देन ट्रांसफॉर्मेशन विल ग्रो ऑन.
सो ये जो डीएनए, अगर एलियन डीएनए ग्रो हो रहा है तो किसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा? पीबीआर ट्रांसफॉर्मेट में. सो इसका आंसर आ जाएगा टेट्रासाइनिन. सो इसका आंसर आ जाएगा टेट्रासाइनिन. सो ये जो पीबीआर 322 है उसको 322 नहीं बोलते, 322 को 322 बोलते हैं. और ये क्या होता है, उसका नंबरिंग होता है. सो इसको हम लोग याद रख लेंगे. सो ये किस में फॉर्म होता है, ये होता है टेट्रासाइनिन में. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ कॉमन कोलाजेनस कलेक्टिव टिश्यू लेयर विच होल्ड द नंबर ऑफ मसल बंडल्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम. सो पहली बात तो मसल बंडल, मसल बंडल को क्या बोलते हैं हम लोग, फैसिया बोलते हैं. सो इसका आंसर तो उधर ही मिल गया हम लोग को, आंसर आ गया फैसिया. इसको हम लोग मसल बंडल बोलते हैं फैसिया को. और ये अगर डिफरेंट फैसिया का जो सिंगल पार्ट होता है गाइस, मतलब एक सिंगल मसल, इज कॉल्ड एज फैसिकल्स. और इसका जो बंडल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फैसिया. सो इधर मसल बंडल पूछा हुआ है. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए गाइस, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द एंजाइम एडीए इज अ क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन इज एब्रीवेटेड एज. सो एंजाइम एडीए दैट इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम फॉर फंक्शन इज एब्रीवेटेड एज एडिनोसिन डीएक्सएमाइनस, एडिनोसिन डीएमाइनस, एस्पेरेट डीएमाइनस, आर्जिनिन डीएमाइनस. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा सबको एडिनोसिन डीएमाइनस. और आपको ये अगर याद है सो ये पहली थेरेपी किसको दी गई थी, कितने साल के बच्ची को, 4 ईयर्स के बच्ची को दी गई थी, 4 ईयर्स के बच्ची को. और ये कभी दी गई थी, 1990 में. आपको याद है एडिनोसिन डीएमाइनस थेरेपी दी गई थी. सो इसका आंसर आ जाएगा एडिनोसिन डीएमाइनस, बी ऑप्शन आ जाएगा. अगला क्वेश्चन. द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड एग्जिबिट फंक्शनल इंटरैक्शन. मतलब अलग अलग स्पीसीज है पर एक ही कंडीशन में रह रहे हैं, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे. सो इसका आंसर क्या आएगा, बायोटिक कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम या नन ऑफ द अबव. सो इसका आंसर आ जाएगा बायोटिक कम्युनिटी आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बायोटिक कम्युनिटी, ऑप्शन ए आ जाएगा. सो अगला क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नर्वस सिस्टम. सो पहले क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हुए. सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से वो पूछा हुआ है. सो इसमें से कौन से करेक्ट है, कौन से करेक्ट है. द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज हाइड्रा इज कम्पोज ऑफ न्यूरॉन्स. ये तो सही है, हाइड्रा में न्यूरॉन्स. द न्यूरॉन इज मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कम्पोज ऑफ 3 मेजर पार्ट. मैक्रोस्कोपिक नहीं होता, वो माइक्रोस्कोपिक होता है. सो इसका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, माइक्रोस्कोपिक आएगा ये. मिसल्स ग्रेनुल्स आर प्रेजेंट ऑन डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी, ये भी सही आ गया. द एक्सॉन ट्रांसमिट द इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी नहीं होता, ये टुवर्ड्स द सेल बॉडी की वजह से क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स द ब्रेन आएगा ये. द एक्सॉन ट्रांसमिट द इम्पल्स टुवर्ड्स द ब्रेन. सो इसमें से बी और डी, मतलब कितने स्टेटमेंट गलत हो गए, 2 स्टेटमेंट गलत हो गए. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, बी एंड डी आर इनकरेक्ट, बी एंड डी आर इनकरेक्ट. सो अगला क्वेश्चन देखते हैं. मैच द फॉलोइंग आ गया गाइस. सो साइनेप्सिस कौन से स्टेज में होता है, साइनेप्सिस से अगर आपको आंसर आ रहा है तो सही है, साइनेप्सिस आ गया जाइगोटिन स्टेज पर. ये जाइगोटिन वाला देखो, अभी इसमें एलिमिनेशन मेथड थोड़ा काम नहीं आएगा क्योंकि ये 2 स्टेप में आ गया साइनेप्सिस, ए का 2 आ गया, इसमें भी आ गया और ये 2, ये 3 जगह पे ए का 2 आ गया है. सो अगला क्वेश्चन देखना पड़ेगा. सेंट्रोसोम स्प्लिट किस में होता है, सेंट्रोसोम स्प्लिट होता है NFH2 में, मतलब बी का आ गया 3. फिर भी ये 2 ऑप्शन बचे, सो बी और डी बचे, अभी एलिमिनेट करेंगे. डी का देखते हैं हम लोग, डी का अगर पता है को, सेंट्रोसोम डू नॉट स्प्लिट. तो एक बार स्प्लिट हो गया तो दूसरी बार स्प्लिट नहीं होगा, तो एनाफेज 1 में होता है वो स्प्लिट नहीं होता, और एनाफेज 2 में जाके वो सेंट्रोसोम स्प्लिट हो जाते, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा. सो ये भी आ गया, ऑप्शन बी आ गया इसका आंसर, ऑप्शन बी आ गया इसका आंसर. सो अगला क्वेश्चन. इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ एसोसिएटेड विद द 4 ब्रेन. सो पहली बात तो ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. सो 4 ब्रेन में कौन से पार्ट्स होते हैं. सो 4 पार्ट्स होते हैं गाइस, सबको अगर मालूम है तो 4 पार्ट्स होते हैं 4 ब्रेन में. सो कौन से 4 पार्ट्स होते हैं वो आप बताओ मेरे को. सो पहला हो गया लिम्बिक सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम आ गया, फिर आ जाएगा लिम्बिक सिस्टम, फिर आएगा हाइपोथैलेमस और आ जाएगा थैलेमस. ये जो 4 पार्ट है गाइस वो होते हैं जो 4 ब्रेन के पार्ट से, तो कितने पार्ट आ गए टोटल 4. कौन से आए, सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रम आ गए, हाइपोथैलेमस आ गया, थैलेमस भी आ गया, और लास्ट में आया लिम्बिक सिस्टम. मतलब वो सेक्सुअल अराउजल को कंटेन करता है, मतलब सेक्सुअल अराउज जो होता है वो लिम्बिक सिस्टम के हाथ में होता है और वो होता है पार्ट ऑफ द 4 ब्रेन. सो इसमें 4 आ गए. सो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग. सो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है.
सो ये जो डायसिस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन एनिमल्स, सो ये गलत है। डायसिस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन प्लांट्स, ये भी गलत है। डायसिस ऑर्गेनिजम आर सीन ओनली इन वर्टिब्रेट्स, ये भी गलत है। इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है और ये डायसिस ऑर्गेनिज्म है बहुत प्लांट्स एनिमल्स दोनों में होता है। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। और आपको एक बात बता दूँ कि ये क्वेश्चन सेकेंड टाइम NTA के मॉक में रिपीट हो रहा है, दो बार अभी तक रिपीट हो चुका है और ये थर्ड टाइम है। सो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है डायसिस ऑर्गेनिजम्स आर सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर। तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, टेप टर्म। सो सबको अगर याद है तो टेप टर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर। और तो इनसाइड टू आउटसाइड पूछा, तो आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर मतलब सी सबसे बाहर आएगा। सो इसमें से एक ही आंसर आ रहा है, आपको देख रहा है तो सी ए की जगह पे इधर है डी ए डी। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। पहले आएगा एपिडर्मिस, फिर आएगा एंडोथीलियम, फिर आएगा मिडल लेयर और द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज स्टेप टर्म। सो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए आ गया गाइस इसका आंसर। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉकरोच एंड सिलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शन। फोर विंग्स आर कॉल्ड टेजेमिना आर ओपेक डार्क एंड लेदरी एंड कवर्ड द हाइंड विंग्स। ये स्टेटमेंट सही है। हेड इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स एट सेगमेंट्स एंड शोन लेस मोबिलिटी। सो कॉकरोच का हेड जो होता है गाइज वो सिक्स सेगमेंट से, मतलब इधर एट सेगमेंट दिया हुआ होगा, सिक्स सेगमेंट्स और इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, हाई मोबिलिटी होती है उसकी। सो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। सो सेकेंड स्टेटमेंट हो गया गलत। थर्ड स्टेटमेंट, जेनिटल पाउच इन मेल इज फॉर्म बाय 9, 10, 10 टर्गा एंड 9 स्टर्नम। सो ये भी सही हो गया। सो इसमें कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट आया, सो ओनली टू ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑप्शन डी आ गया। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोग एक बात याद रखना है, हमेशा जब भी पढ़ते हो तो आपको याद रखना है कि ये जो करेक्ट स्टेटमेंट होता है उसको पहले मार्क कर लें करेक्ट स्टेटमेंट करके। सो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, सो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म बाय द रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन जो क्या बोलते हैं, माइटोसिस। सो ये मियोसिस बोलते हैं क्या, सो रिडक्शन डिवीजन को अगर माइटोसिस बोलते हैं। सो ये जो एम्ब्रियो सैक है वो मियोसिस, मेगास्पोर से नहीं बनता है, ये होता है मेगास्पोर मदर सेल से, MMC से बनता है। टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट इज 6 सेल एंड 7 न्यूक्लियस। सो ये गलत है, इधर आएगा 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। द सेल्स लोकेटेड एट चेलाजेल एंड ऑफ द एम्ब्रियो आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स, और ये कितने होते हैं, 3 सेल्स होते हैं गाइस। फिलीफॉर्म अपैरेटस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अपर्चर ऑफ द एंटीपोडल, ये स्टेटमेंट गलत है। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गाइनोशियम इज बाइकार्पिलरी ऑब्लिगेट प्लेस्ड एंड साइनोकार्पस। साइनोकार्पस और बाइकार्पिलरी ऑब्लिगेट से आपको पता चल गया होगा कौन सी फैमिली की बात हो रही है। सो इधर फैमिली की बात हो रही है सोलानेसी फैमिली की बात हो रही है। सो सोलानेसी फैमिली में क्या क्या आता है, टोबैको आता है, चिली आती है, ब्रिंजल भी आता है और लास्ट में क्या आता है गाइस, टोबैको, चिली, ब्रिंजल और फिर एक और रह गया, तो वो क्या आएगा, एस्करिगस, अरहर, कोल्चिशियम, मुल्तानी, एलो पी या फिर लुपिन। सो इसमें क्या आ जाएगा, पेट्यूनिया गाइस, जिसमें पेट्यूनिया जो दिया हुआ है वो भी एक आता है। तो इसमें चार आ गए, ब्रिंजल, पेट्यूनिया, चिल्ली एंड टोबैको। सो इसमें कितने आ गए, चार आ गए। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंपाउंड एपिथीलियम। सो कंपाउंड एपिथीलियम इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। सो ये जो ये इसमें चार स्टेटमेंट दिया है, मल्टी लेयर विद नो स्ट्रेचेबिलिटी, ये सही है। इनकरेक्ट पूछा हुआ है। कवर द मोस्ट सर्फेस ऑफ द बकल कैविटी, ये भी सही है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मेकअप, ये भी सही है। देख लो वाइटल रोल, सो ये स्टेटमेंट गलत है गाइस। ये वाइटल रोल है, ये लिमिटेड रोल प्ले करता है इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें सबसे कम रोल होता है। सो इसका आ जाएगा लिमिटेड रोल, ऐसा स्टेटमेंट आएगा वो। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, ऑप्शन डी आ गया। सो अगला क्वेश्चन सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो नीट 2021 का ट्रेंड है गाइस, या नीट का ट्रेंड बदल रहा है, इसमें ज़्यादा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बहुत कम बार पूछे जाते हैं। सो इसमें क्या आएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क रिएक्शन आर ऑफ लीव्स, ये सही है। फ्लावरिंग इन सर्टन प्लांट डिपेंड नॉट ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बस ऑन द रिलेटिव ड्यूरेशन, ये भी सही है। द हाइपोथेसिस हॉर्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट फ्रॉम शूट एपिसेस टू लीव फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग, सो ये स्टेटमेंट गलत आ गया। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, आपको याद रखना है, इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। सो अगला क्वेश्चन, द अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय द क्लोराइटिक वेन इज द प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ। सो ये जो ब्राउन स्पॉट किसकी कमी से होते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, किसकी कमी से होते हैं गाइस, ये कमी से होते हैं कॉपर के, मोलिब्डेनम के, मैंगनीशियम के, या फिर फोर्थ ऑप्शन आ गया, तो उसकी कमी के होते हैं, ये आंसर आ जाएगा इसका मैंगनीज। सो इसका आंसर आ जाएगा
मैंगनीज टॉक्सिसिटी, और इसकी वजह से ब्राउन स्पॉट्स होते हैं जो लिफ्ट पे पाए जाते हैं क्रोलेटिक वेन के साथ। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट मैच पूछा हुआ है, तो ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1981 में था क्या? सो ये पहली बात तो ये 1981 में नहीं था, ये था 1988 में। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में चला गया, सो मतलब फर्स्ट वन गलत है, तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। सेकेंड वन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1937 सही है। थर्ड वन वाटर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये कभी 1974 में, ये भी सही है। और ये जो फोर्थ वन है गाइस, फोर्थ वन है ना, वो 1986 में नहीं, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन का एक्ट भी 1974 में आया था। सो इसमें से क्या आंसर आ जाएगा, बोथ टू एंड थ्री आर ओनली करेक्ट एंड फोर्थ एंड फर्स्ट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। सो अगला क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है गाइस ये। सो आज के लास्ट क्वेश्चन एक मैच द फॉलोइंग आ गया, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन में देखते हैं लिफ्ट एंड ड्रिल, लिफ्ट एंड ड्रिल किसमें होगा गाइस? ट्रेंड्रिल देखते हैं तो पी फ्लावर, आपको पी प्लांट आपको याद आना चाहिए, लिफ्ट एंड ड्रिल इज अ पी। सो पहले का ऑप्शन सेकंड आ रहा है, तो दो ऑप्शन बचे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का, सिंपल टेक्निक बी और डी बचा। लिफ्ट स्पाइन, स्पाइन मतलब किस में आ जाएगा गाइज? वो स्पाइन आ जाएगा कैक्टस में, कैक्टस में आ जाएगा, ये जेरोफाइटिक कंडीशन में दिखते हैं हम लोग को कैक्टस या डेजर्ट में दिखते। सो इसका आंसर आ जाएगा टू का वन से आंसर हो गया सॉल्व, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ गया। सो आज का डीपीपी खत्म होता है गाइज, और अगर आपको ये डीपीपी अच्छा लग रहा है और ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं रेगुलर चलाने वाला हूँ आपके लिए। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर ज़रूर मैसेज कर देना गाइज। और कोई भी आपको दिक्कत आ रही है या फिर कमेंट सेक्शन में मेरा कोई आंसर गलत हो गया तो वो भी मुझे ज़रूर बता देना गाइज। आज का था डे 7, डे 8 कल रिलीज होगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट फॉर नीट 2021। प्रिपरेशन जारी रखो, कीप हसलिंग, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे एग्जाम दूर जा रहा है वैसे कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ेगा गाइज। थैंक यू।